हे गाइस, आई एम अवे महाजन एंड वेलकम यू ऑल टू दिस अमेजिंग सेशन बहुत सारे बच्चे एक इजी ऑर्गेनाइज प्लेलिस्ट बनाने का बोल रहे थे एंड दिस इज़ व्हाट यू हैव डन विद दिस चैनल गाइस एंड इन टूडेज़ वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन कि किस तरीके से यू कैन मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ द अमेजिंग वीडियोज दैट वी हैव इन दिस पर्टिकुलर चैनल एंड अलग अलग टाइप के लोगों के लिए अलग अलग हमने सेग्रिग्रेशन भी कर दिया है एंड किस तरीके से इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हो लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सो दिस इज अ चैनल गाइस। सबको पता है वेदांत ओलम्पियड स्कूल अगर नहीं पता तो आइए एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दीज आर द करेंट वीडियो विच आर कमिंग अप सो so गाइज यहाँ पे सबसे पहले तो ये एक मैथमेटिकल ओरपिड प्रिपरेशन फ्रॉम जीरो टू हंड्रेड का वीडियो बनाया था सो uh, so, जो बच्चे पहली बार प्रिपरेशन करना शुरू कर रहे हैं उनको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए इट इज़ बेसिकली एंड एंड टू एंड गाइड कि किस तरीके से मोटा मोटा प्रपरेशन uh, करनी होती है ठीक है हम हम डिटेल्स के अंदर घुस रहते हैं इनफैक्ट मैंने प्रिपरेशन को चार लेवल्स के अंदर डिवाइड कर दिया था हर लेवल में क्या क्या करना होता है एंड उसके बाद वो करके अगले लेवल पे तुम जा सकते हो तो दिस इज वॉट आई आईव एक्सप्लेन इन दिस पर्टिकुलर वीडियो उसके बाद जूनियर साइंस ओलम्पियड के प्लेलिस्ट आ जाती है एंड यहाँ पर गाइज यहाँ पर मैच ओलम्पियड के बच्चों के लिए आ, एक बहुत ही अमेजिंग एक सेग्रीगेटेड प्ले लिस्ट एंड ईजी टू फाइंड ईजी टू यू नो टेक हेल्प फ्रॉम बना दिए so सबसे पहले ये प्री आर एम ओ का लाइन है प्री आर एम ओ का लाइन है अब इसके के अंदर क्या क्या, क्या किया हुआ फटाफट से देखो गाइस तो पहले तो यहाँ पर प्री आर एम ओ ट्वेंटी टू मतलब जो अभी करेंटली इस साल इस साल ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री सेशन के लिए जो मैं प्री आर एम ओ के बना रहा हूँ तो वो यहाँ पर डले हैं तो ऑलरेडी ऑलमोस्ट छः वीडियोज डल चुके हैं एंड इसके अंदर धीरे धीरे हम ऐड भी करते रहेंगे उसके बाद दिस इज द लास्ट ईयर प्ले ठीक है दीज फोर्टी फाइव लेक्चर्स ये पिछले साल का प्ले है जो मैंने पिछले साल बनाया था जब प्रियर की तैयारी हो रही थी एंड तो यहाँ पर ये तुम ले सकते हैं हालांकि जैसा कि मैं बोलता भी हूँ द टॉपिक द नेम ऑफ द टॉपिक इस सीयर एंड दिस सीयर आर गोइंग टू बी मोरल इज द सेम बट द कॉन्टेंट इज गोइंग टू भी डिफरेंट है इज इट इज गोइंग टू बी आई आई मेक श्योर दैट बहुत कम सेग्रीग्रेशन हो सॉरी बहुत कम इंटरसेक्शन हो एंड अफकोर्स कुछ इंटरसेक्शन होना जरूरी है बिकॉज देर आर सर्टन क्वेश्चन जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते जेर आर सर्टन कॉन्सेप्ट जिसको हम इग्नोर नहीं, नहीं कर सकते हर सेशन में हमें बताना ही होता है बट एज फार एज क्वेश्चन आर कंसर्न आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि इस बार जितने भी क्वेश्चन uh, मैं दूंगा इस बार के सेशन्स के अंदर दे आर गोइंग टू बी डिफरेंट फ्रॉम लास्ट ईयर एंड लास्ट टू लास्ट ईयर दिस इज लास्ट टू लास्ट ईयर का प्ले लिस्ट भी यहाँ पर हमने हमारे पास पढ़ा हुआ है दिस इज आई यू केम ट्वेंटी 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 वन ठीक है इनफैक्ट ये वाला जो पेपर हुआ था ये लास्ट ईयर लास्ट ईयर बेसिकली uh, जनवरी में हुआ था अभी मार्च में हुआ है एंड इसका पता नहीं कह कब होगा मोस्ट लाइकली अगस्त में होना चाहिए well. uh, this, guys, और क्या है कलेक्शन ऑफ सेशन टॉपिक वाइज वेर एन वी आर मोर फोकस्ड ऑन क्वेश्चन इन सेशन के, तो, के अंदर थ्योरी तो, uh, भी चलेगा क्वेश्चन भी चलेगा बट स्प्रिंट के अंदर इट इज गोइंग टू बी मोर क्वेश्चन ओरिएंटेड अप्रोच देन थ्योरी राइट सो स्प्रिंट फोर्टी सिक्स लेक्चर बना हुआ है so जितने भी अभी तक प्री आर हो चुके हैं उनके सारे के सारे एंड टू एंड सोल्यूशन यहाँ पर बने हुए इस प्ले लिस्ट में दिस इज बीन क्रिएटेड बाय लोहित सर एंड उसके अलावा गाइड उसके अलावा यहाँ पे पायरेटसन आयोग so बहुत अभी रिसेंटली तुम्हें याद होगा कि एग्जाम्स के बाद कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग अमेजिंग क्वेश्चन चेतन सर ने सीरीज बनाई थी तो वो यहाँ पर डली हुई है इसके अलावा पेपर के सोल्यूशन है ठीक है इसके अंदर में ट्वेंटी टू मतलब इस साल के पेपर का सोल्यूशन भी दुणा दुणा। अभी तो सिर्फ पिछले साल के पेपर का के सोल्यूशन तो चारों का मैराथन पर मैंने बनाया so, so, को related, कुछ भी तुम्हें चाहिए सब कुछ इस लाइन के अंदर मिल जाएगा तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है सो दिस इज बेसिकली वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल योर ओलंपियाड नीड्स नाउ देर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स रियली वेल इन दिस एग्जाम जो भी मार्च में हुआ था एम पार्ट ए में काफी अच्छा स्कोर आया है तो वो प्री आर एम में पेटी कॉन्फिडेंट है कि सर अगले साल अगर प्री आर एम ओ आर एम ओ तक का दोबारा से पैटर्न आ जाता है तो वी आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द प्री आर एम पार्ट हमें आर एम का प्रिपरेशन करनी है आर एम का एज सच हमें क्वेश्चन चाहिए आर एम टाइप का क्वेश्चन चाहिए आर एम ओ क्वेश्चन चाहिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए सो वी आर एबल टू गेन कॉन्फिडेंस इन दोज काइंड ऑफ क्वेश्चन सो यहाँ पर आर एम ओ का प्ले लिस्ट भी बना हुआ है सोगेन आर एम ओ में क्या है एक तो बियॉन्ड टेक्सट बुक मेरा जो प्ले लिस्ट है ऑलमोस्ट थर्टी लेक्चर्स के आसपास हो चुके हैं इनफैक्ट इस साल भी मैं जितने भी लेक्चर्स बना रहा हूँ सारे के सारे इसके अंदर डालता रहूंगा ये लास्ट टू लास्ट ईयर का प्ले लिस्ट है तो ये तो है ही है। इसके अलावा देर इज आर एम ओ फ्लैश बैक सीरीज जो कि चेतन सर ने बनाई हुई है लास्ट ईयर लास्ट टू लास्ट ईयर इनफैक्ट कुछ इंटरसेक्शन नहीं है तो अगेन हम स्टार्ट किए थे एक पर्टिकुलर ईयर से उसके बाद से यहाँ पे क्वेश्चन है इनफैक्ट इसके अंदर और भी क्वेश्चन आ

उसका पहले है बहुत ही अच्छे अमेजिंग क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किए हुए हैं तुम दे सकते हो एंड यूनाइटेड बाय बाय मैथमेटिक्स द वे एंड पिश्टी वाली चेतन सर वाली सीरीज थी वो सारे के सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो कि फॉरन ओलम्पी आज के क्वेश्चन हमने उठाए हुए आर एमओ स्लैश एनमो लेवल वाले उनको हमने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ अपार्ट फ्रॉम दस इज जेम सीरीज ज्योमेट्री जेम्स लास्ट ईयर चेतन सर ने शुरू किया था बहुत सारे बच्चों ने लाइक किया था uh, इसको बहुत सारे बच्चों का एक्चुअली में फायदा भी हुआ इस सीरीज से सो अगेन इस साल हमने सोचा कि ज्योमेट्री जेम्स के अलावा वी आर गोइंग टू स्टार्ट एल्जेब्रा जेम्स कॉम जेम्स एंड नंबर थ्री जेम्स जो कि ऑलरेडी स्टार्ट हुई है तो जिसमें जितने भी क्वेश्चन आते रहेंगे ये तुम यहाँ पर डालते रहेंगे अब गैज वॉट इज द बेस्ट वे बेस्ट वे टू अप्रोच दी आर एम ओ प्ले लिस्ट तो अगेन अगर तुम जेम्प सीरीज को फॉलो कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल ज्योमेट्री जेम या जेबरा जेम्प अगिन किसी भी एक उसमें जाओ तो यहाँ पर तुम्हारे पास यहाँ पर थंबनेल के अंदर ना थंबनेल के अंदर मोस्ट लाइकली हर के क्वेश्चन आ जाते हैं एंड अगर चांस क्वेश्चन तुम्हें थंबनेल में समझ नहीं आ रहा सो व्हाट यू नीड टू डू इज गो अहेड एंड रीड या लिसन टू द क्वेश्चन फर्स्ट तुम्हें सिर्फ क्वेश्चन को अरे अच्छा ये तो सॉरी इंट्रोडक्शन है ये इंट्रोडक्शन है तो यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर आ जाओ भाई ठीक है तो यहां पर पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो क्या पूछा गया मैं स्पेंड टाइम ओवर इट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट स्पेंड टाइम ओवर द क्वेश्चन बहुत सारा टाइम स्पेंड करो इतना कि सारे के सारे आइडियाज तुम्हारे पास एग्जॉस्ट हो जाएं जब तुम्हारा दिमाग बोल कि अब मेरे पास कोई आइडिया नहीं देन ओनली लुक एट द सॉल्यूशन सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ के सीधा तुम सोल्यूशन पे आ जाओगे इट इज गोइंग टू बी ऑफ नो गुड यूज सो दिस इज द बेस्ट वे टू एंजॉय

प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम पुट कर रहे हैं सो दैट यू गेट एन आइडिया कि किस तरीके से इनमो के क्वेश्चन को हमें सोचना है सोल्व करना है पूरा का पूरा थॉट प्रोसेस अगर तुमने देखा हुआ सीरीज को फॉलो किया है तो तुम ये देखोगे कि एक एक क्वेश्चन को हमने पंद्रह पंद्रह बीस बीस तीस तीस मिनट के अंदर हमने सोल्व किया एंड दिस इज बेसिकली जस्ट टू गिव यू द डिवेल्प दॉट प्रोसेस कि किस तरीके से थॉट प्रोसेस डेवलप करना है जब इनमो के क्वेश्चन हम स्टार्ट करें एंड अपार्ट फ्रॉम दिस देर इज इनमो क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज जो कि हमने लास्ट ईयर भी लास्ट टू लास्ट ईयर भी शुरू किया था सारे के सारे क्वेश्चन इसके अंदर डले हुए हैं यू कैन पिक दिस अप एंड इस बी एग्जैक्टली द वे टू सॉल्व दिस इन मोर क्वेश्चन ऑफ द डे और टू सी दिस इज कि क्वेश्चन को देखो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन थमनेल थमनेल में अगर समझ नहीं आता बाय द वे तो तुम क्वेश्चन पे जाओ एंड स्टार्टिंग में सिर्फ क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करो उसी टाइम तक वीडियो देखना है जहाँ तक टीचर ने क्वेश्चन को समझाया हुआ है उसके बाद पॉज कर देना है स्पेंड टाइम अ लॉड ऑफ टाइम टिल You are exhausted with all the ideas. So अपार्ट फ्रॉम दिस चैनल फॉर एग्जाम्पल आई एस आई केवीपीआई एन टी एस सी वो सारे का सारे यहाँ पर डाले हुए ठीक है आई एस आई इंटरनेशन प्रिपरेशन इज दिस एक इलेक्शन इस साल का दिया बट पिछले सीजन के जो भी प्ले थी वो भी मैं यहाँ पर डलवा दूंगा के लास्ट ईयर का है दिस uh, so, इज के वी पी प्रिपरेशन तो सारे के सारे मैथ्स ओरिएंटेड सीरीज अपार्ट फ्रॉम द मैथ्स ओलम्पियड इज ऑन दिस लाइन सो इट इज ईजियर फॉर यू नाउ टू एक्सेस दिस चैनल एंड मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट तो ये सारे के सारे जो चीजें की जा रही है ये तुम्हें सेंटर पे रख के की जा रही है कि तुम कितने सबसे ज़्यादा फ़ायदा कैसे उठा सकते हो इस पर्टिकुलर चैनल का और इसमें जो कंटेंट आ रहा है उस चीज़ का आई होप यू इन्जॉयड दिस एंड अच्छा लगा मज़ा आया लाइक like ज़रूर कर देना एंड इस तरीके से और चीज़ें हम तुम्हारे लिए करते रहेंगे टू मेक योर लाइफ ईजियर गॉड ब्लेस यू लेट्स ब्रिंग गोल्ड फॉर इंडिया